दोस्तों, आज जिस मशहूर एक्टर के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, उनका नाम तो निर्मल था, लेकिन फिल्मों में उन्होंने कभी भी निर्मल रोल नहीं निभाए। इनफैक्ट उन्होंने बहुत ही खूंखार और ख़तरनाक रोल निभाए, और वो थे द टैलेंटेड और ज़बरदस्त पर्सनालिटी के मालिक निर्मल पांडे। सौ की पूंजी का सबको कर्ज चुकाना है। एक दिन उन्हें अचानक हार्ट अटैक आ गया और 18 फरवरी 2010 में, यानी सिर्फ 48 साल की उम्र में, वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। आने हाथों में हर जीवन एक खेल। इनका जन्म 10 अगस्त 1962 में मल्लीताल में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा और नैनीताल में हुई। वो स्कूल के दिनों से नाटक में भाग लिया करते थे। स्कूल खत्म होते होते वो तय कर चुके थे कि उनको अपना करियर अभिनय में ही नजर आता है। बीकॉम एमए शिक्षा प्राप्त निर्मल पांडे ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अभिनय का प्रशिक्षण प्राप्त किया। अभिनय का उच्च प्रशिक्षण प्राप्त कर एक बार निर्मल पांडे इंग्लैंड चले गए। CRST में पढ़ाई के दौरान उन्होंने नाटकों और रामलीलाओं में अभिनय करना शुरू किया। अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद उन्होंने भीमताल के ब्लैक ऑफिस में क्लर्क की नौकरी भी की, लेकिन रंगमंच में और झुकाव होने के कारण सरकारी नौकरी त्याग दी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली से अपने 3 साल के सफ़र को तय करके अपने अभिनय की दुनिया में पैर जमाने के लिए निर्मल पांडे जी लंदन के तारा नामक थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए, और उन्होंने इस रंगमंच में कई सफल नाटक जैसे हीर रांझा और एंटीगोन किए। उन्होंने लगभग 125 नाटक में अभिनय किया, और ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन सफ़र था। दोस्तों, उन्होंने अपने इस कार्य में बहुत प्रशंसा बटोरी। इंग्लैंड में सुप्रसिद्ध फिल्म निर्देशक शेखर कपूर ने इनके अभिनय कला को देखा और परखा। कपूर साहब इनसे इतने प्रभावित हुए दोस्तों कि वहीं उन्होंने निर्मल पांडे जी को अपनी निर्माणाधीन फिल्म बैटिंग क्वीन के लिए अनुबंधित कर दिया। ये फिल्म दस्यु सुंदरी फूलन देवी के जीवन पर आधारित है। फिल्म में निर्मल पांडे जी ने फूलन के प्रेमी विक्रम मल्ला की भूमिका अभिनीत की। विवादों और सेंसर बोर्ड की कैंची से गुजरते ये फिल्म अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित कर गई। दोस्तों, निर्मल पांडे जी इस फिल्म से अंतर्राष्ट्रीय सीने कलाकार स्थापित हो गए। अब फिर क्या था, इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इन्हें धड़ाधड़ फिल्में मिलती चली गईं। भाग्य ने साथ दिया और इनकी हर फिल्म दोस्तों हिट होती चली गई। उल्लेखनीय भूमिका वाली इनकी अब तक प्रदर्शित फिल्में हैं बैटिंग क्वीन, शिकारी, ट्रेन टू पाकिस्तान, औजार, इस रात की सुबह नहीं, दायरा, हम तुम पे मरते हैं, प्यार किया तो डरना क्या, और जहां तुम ले चलो। दोस्तों, फिल्म दायरा में अभिनय के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ नायक का तमगा दिया गया था। दोस्तों, निर्मल पांडे जी ने 2 शादियाँ की थी। सबसे पहली शादी की थी उन्होंने 2005 में कौसर मुनीर के साथ, जो एक बहुत ही फेमस निरीक्षक और स्क्रीन के राइटर हैं, और उनके साथ उन्होंने एक एल्बम भी रिलीज़ की जिसका नाम था जज्बा। उसमें सारे गाने गाए थे निर्मल पांडे जी ने और लिरिक्स लिखे थे कौसर मुनीर जी ने। निर्मल पांडे की और कौसर की एक बेटी भी है, लेकिन अफसोस कुछ सालों बाद वो दोनों अलग हो गए और दोनों का डिवोर्स भी हो गया। निर्मल जी ने दूसरी शादी की 2005 में अर्चना शर्मा के साथ, जो लखनऊ के स्कूल में एक प्रिंसिपल थी। इस शादी से उनके 2 बेटे हुए जो ट्विंस हैं, लेकिन अफसोस कुछ अरसे बाद उन दोनों में अनबन हो गई और दोनों अलग हो गए, लेकिन डिवोर्स नहीं हुआ। निर्मल पांडे जी बहुत सेंसिटिव थे दोस्तों, इसलिए वो ये सेपरेशन बर्दाश्त नहीं कर पाए।
अंदर ही अंदर घूटते रहे और डिप्रेशन में चले गए। और उसका नतीजा ये हुआ कि एक दिन उन्हें अचानक हार्ट अटैक आ गया और 18 फरवरी 2010 में, यानी सिर्फ 48 साल की उम्र में, वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते, मगर अपने अपने मकाम पर, कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं।